ये लाइन ड्राइंग बेसिक लाइंस हैं, बट ड्राइंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। लाइन से हमको करना है, लाइन में फिगर किस स्टाइल में खड़े हुए हैं, क्योंकि जब हमारी बेस बन जाता है तो इसके ऊपर हम इसको ड्रेसअप करके और करके कंप्लीट कर सकते हैं। ये 10B की पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये ड्राइंग की पेंसिल्स होती हैं, इसलिए जब हमारी ड्राइंग बुक है उसके ऊपर हम ये एक बार जो लाइंस बनी हुई हैं इसके को ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने से हमको ये समझ में आ जाता है कि लाइन कहाँ जा रही हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। जैसे ये एक फिगर हम बनने बनाया है, जब हमने ये देख लिया कि लाइन कैसे जा रही है तो हमको समझ में आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम बना सकते हैं फेस के लिए सर्कल या ओवल शेप लिया, नेक के लिए लाइन डाली। अब हमारा यहाँ से बेस शुरू होता है, तो हमारे आर्म्स कैसे जा रहे हैं तो उसके हिसाब से हमारे शोल्डर्स जाएंगे। तो हमने आप देख रहे होंगे कि शोल्डर स्लाइंट वे में लिए हुए हैं, हैंड सिंपल उसमें लाइनिंग्स जा रही हैं। जब हमारे स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो इसी को हम बाद में ड्रेसअप करके और फिगर के रूप में क्रिएट कर देते हैं। ये हमारी जो बैक बोन होती है वो है स्टमक के पार्ट की तरफ थोड़ा नीचे करके डाउन होती है, तो आपने देखा होगा वो लाइन मैंने डाउन की हुई है। हमारे जो हिप्स वाले जॉइंट्स होते हैं उसके ये लाइन ड्रॉ, यहाँ पर आपका थाइस, फिर यहाँ जहाँ मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया है वहाँ पर आपका नी आती है। ये देखिए यहाँ पर नी आई, एक क्योंकि थोड़ा चलने वाली पोजीशन में है तो एक पैर इसका आगे जा रहा है और आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारे फिगर की पोजीशन हो गई है, और ये बेसिक है जिससे हमको समझ में आ जाता है। अब जब हम इसके ऊपर इसको ड्रेसअप करेंगे तो ये हमारा पूरा फिगर क्लियर हो जाएगा। तो ये जो लाइंस हैं ये आपको बताएंगी कि हमको फिगर हमारा कैसा है। अभी आप देखेंगे ये हैंड्स फोल्ड करके खड़ा हुआ है, उसके लिए हमारी क्या पोजीशन होगी, जो हमारी बोन है वो कहाँ जा रही है, लेग्स कहाँ जा रहे हैं, और हमने एक बार पेंसिल से ट्रेस किया उसको, लाइंस हमारी क्लियर हुई, इसके बाद हम इसको बनाएंगे। ये देखिए इसके हैंड्स फोल्ड आ रहे हैं, तो आर्म का जो जॉइंट होता है जो हमारी वहाँ से देखिए हमने इसको फोल्ड कर दिया है। ये देखिए इस तरीके से, तो आधा हाथ इसका स्ट्रेट आर उधर आ रहा है और आधे में ये फोल्ड हो गया, ये आपस में क्रॉस करेंगे। तो ये हमारी जैसे हम हैंड्स फोल्ड करके जब खड़े होते हैं वो पोजीशन आ रही है। जब आप धीरे धीरे इसको ऐसे बनाएंगे तो आपको पोजीशन समझ में आ जाएगी। इसके अलावा भी आप और भी कोई पोजीशंस ले सकते हैं, तो मैं आपको एक एक करके सभी पोजीशंस बता रही हूँ।
नेक्स्ट पोजीशन, ये या तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति है या बहुत वीक व्यक्ति है, कोई वीक पर्सन है, क्योंकि इसकी जो बैकबोन से बैकबोन जब हमने थोड़ा से टर्न कर दी है, थोड़ी सी झुकी हुई दिख रही है, तो ये वृद्धावस्था, ये हमारी ओल्ड एज वाला पर्सन समझ में आ रहा है। तो जब हम इसका फेस या हेड बनाएंगे, वहाँ से बैकबोन को थोड़ा सा टर्न करते हुए, उसको झुकाते हुए दिखाएंगे, क्योंकि जब ओल्ड एज में आते हैं तो थोड़ा सी हमारा शरीर श्रिंक हो जाता है, क्योंकि हम झुक जाते हैं, तो वो श्रिंक दिखाई देता है। शोल्डर से भी हम थोड़े झुके हुए रहते हैं। नेक्स्ट पोजीशन जो है वो मस्ती करते हुए डांस करते हुए वाली पोजीशन है, जिसमें जैसे हमने इसमें जो झुकते हुए दिखाया था, इसमें जो हमारे पैर ऊपर जाते हैं तो हमारा स्टमक वाला जो पार्ट होता है वो बाहर की तरफ आता है, तो लाइन हमारी जो ओल्ड मैन वाली थी उससे अपोजिट साइड में आ जाती है। और फेस थोड़ा ऊपर की तरफ आता है, जब हम डांस करते हैं हमारे हैंड्स ऊपर होते हैं, तो फेस भी थोड़ा सा हमारा ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो पोजीशन हम ले रहे हैं, इसमें हैंड्स ऊपर जाना है, तो शोल्डर की पोजीशन स्ट्रेट रहेगी, ये वाला पार्ट जो हमने आपको बताया कि ये आगे की तरफ स्टमक हमारा निकला रहेगा, एक पैर ऊपर है इसलिए हिप्स वाली लाइन थोड़ी तिरछी होगी, एक पैर बेस के लिए नीचे और एक पैर हवा में।
नेक्स्ट में सिंपल खड़े हुए हैं, इसके हाथ में हम बैग भी दे सकते हैं, वो वाली पोजीशन भी हो सकती है, किसी से बात करते हुए वाली भी हो सकती है, ये सिंपल पोजीशन है। इसी तरह हम इसको भी ड्रॉ करेंगे। लाइंस क्लियर कर देते हैं। तो इसी तरीके से जब हम बेस लाइन बना लेते हैं, हमारी पोजीशन क्लियर हो जाती है और बाद में हम इसको ड्रेसअप कर सकते हैं, तो हमारा कभी भी फिगर गलत पोजीशन में खड़ा हुआ नहीं दिखेगा। इस तरीके से हमारी ये कंप्लीट हो गया है।